पीएम किसान योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे किसान भाइयों के लिए एक गुड न्यूज भी है और एक बुरी खबर भी है। खबर क्या है, बुरी खबर क्या है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे जो है ई केवाईसी को लेके काफ़ी बड़ी अपडेट यहाँ पे आ गया है। आप 31 जनवरी 2022 तक अगर आप ई केवाईसी नहीं करते हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे नोटिस भी जारी कर दिया गया है बिहार सरकार ने। अभी बिहार सरकार ने किया है, बाकी और सरकारों ने जारी किया है नहीं किया है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। पूरा प्रोसेस मैं यहाँ पे बताऊँगा और आपको ई केवाईसी कैसे करने हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। मेरा नाम है राजू गंगवार, आप देख रहे हैं पीएम किसान योजना चैनल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हम यहाँ पे कोई भी वीडियो लें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप उन योजनाओं का लाभ उठा सकें। तो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ई केवाईसी का क्या अपडेट यहाँ पे आया है। तो आपको इस इंटरफेस पे आ जाना है और आपका इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो देख सकते हैं आप पीएम किसान ई केवाईसी स्टार्ट, पीएम किसान ई केवाईसी शुरू, वेरीफाई पीएम किसान, यानी जो किसान भाई यहाँ पे लाभ ले रहे हैं तो उनके लिए ई केवाईसी कराना कंपलसरी है। अगर नहीं कराते हैं तो उनको आने वाली जो किस्त का पैसा है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएम किसान ई केवाईसी स्टार्ट, पीएम किसान आधार कार्ड, ई केवाईसी, पीएम किसान, यहाँ पे देख सकते हैं सारा है। और पीएम किसान पेमेंट स्टेटस बिहार के जितने मैं आपको बताना चाहूँगा बिहार सरकार ने, आप थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं पीएम किसान ई केवाईसी स्टार्ट, जल्दी कर लें ई केवाईसी। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार सरकार ने जो है वो लास्ट डेट तैयार कर दी है, यानी लास्ट डेट तक अगर आपने नहीं किया यानी 31/3/2022 यानी 31/3/2022 तक अगर आपने ई केवाईसी नहीं किया तो आपको इस योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है पीएम किसान अंतर्गत ई केवाईसी अथराइजेशन एंड कार्य, ई केवाईसी ओटीपी मोबाइल, ई केवाईसी बायोमेट्रिक मोड द्वारा भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पीएम किसान लाभधारी सत्यापन, ई केवाईसी अथराइजेशन ओटीपी मोबाइल के माध्यम से भी आप जो है ई केवाईसी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा ई केवाईसी आपको कैसे करनी है। अगर नहीं करते हैं तो आपको जो है ई केवाईसी के बिना जो है आने वाली किस्त का पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बिहार सरकार ने जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और भी सरकार यानी जो और स्टेट है वहाँ पे भी जारी हो सकता है, किसानों को बिल्कुल भी यहाँ पे लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या होगा, आप इसी आर्टिकल पे आना है और आप चाहें तो इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पे भी देख सकते हैं काफ़ी सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। भारत सरकार द्वारा कार्य के लिए प्रकृति यानी प्रति किसान सत्यापन के लिए 15 रुपये निर्धारित किए गए। अगर आप CSCC भारत सरकार के द्वारा इस कार्य के लिए प्रति किसान सत्यापन 15 रुपये निर्धारित किए गए हैं, यानी आप अगर ई केवाईसी कराते हैं तो आपको 15 रुपये जो है वो यहाँ पे भी करना पड़ सकता है, जिसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो CSC सेंटर पर जाना होगा आपको। राज्य के लिए पीएम किसान लाभधारी से अनुरोध है कि ई केवाईसी 31 मार्च 2022 से पहले जरूर करा लें, नहीं तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे पैसा किसान भाइयों नहीं मिलेगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। उसके बाद में अगर आपका ई केवाईसी नहीं हुआ है और अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है और पीएम किसान सम्मान निधि योजना से भी लिंक है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो है अपना ई केवाईसी कैसे कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं पीएम किसान के लिए आवेदन भी है और पीएम किसान की जो ई केवाईसी है वो कैसे करें, इस वेबसाइट पर जाकर यानी वेबसाइट पर जाकर ई केवाईसी कर सकते हैं। नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर भी आधार अथराइजेशन या नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर या अथराइजेशन या मोबाइल नंबर OTP के माध्यम से भी जो है अपनी ई केवाईसी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है और कैसे करना है तो इस पे देखिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट वीडियो ये बना रखी है। किसान भाइयों इसी लिंक के नीचे यानी इसी वेबसाइट में आपको 2 वीडियो मिलेंगी, इन वीडियो के माध्यम से जो है आप अपनी ई केवाईसी देख सकते हैं कि हमें ई केवाईसी कैसे करनी। दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे और यहाँ पर भी मिल जाएंगे, जिसमें आप कंप्लीट ई केवाईसी हम कैसे करें और आप इस योजना का लाभ लें। अगर नहीं किया है तो फटाक से आइएगा और ई केवाईसी करिएगा। अगर आपको यहाँ पे फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है और नहीं हो रहा है
तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, मैं आपकी यहाँ पे फुल हेल्प करूँगा, अगर फुल सपोर्ट करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो जल्दी से जाइएगा, इन वीडियो को देख लीजिएगा, इसमें आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा कि किस प्रकार से जो है आप अपनी ई KYC कर सकते हैं। वही किसान भाई कर सकते हैं जिनका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई कंफ्यूजन या कोई परेशानी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।